यद्यपि उसके नाथ तो थे, सबके नाथ जगन्नाथ जी हैं, वैसे भी वो सनाथ थी, उसके पति थे कश्यप जी, लेकिन उसके पुत्र सब भाग गए स्वर्ग छोड़कर, तो ऐसे दुखी हो रहे थे जैसे अनाथनी हो गई, पर तबियत अनाथवत। उसका कोई रक्षक नहीं रहा, ऐसा अनुभव होने लगा मेरा तो सब कुछ खत्म हो गया है, मेरा धन, मेरा घर, मेरा सब कुछ छीन लिया गया है। यह सिद्धांत है, जो व्यक्ति भोग में हो पड़ जाता है वो खो देता है भगवान की, ऐसी ही व्यवस्था है। वो धन खो देता है, घर खो देता है, सारा आनंद खो देता है। जो व्यक्ति यज्ञ करेगा उसकी उन्नति होगी ही, ये निश्चित है, भगवान का विधान है। तो दैत्य सब यज्ञ कर रहे थे, दैत्य में प्रधान थे बलि महाराज, ये यज्ञ में लगे हुए थे। इधर देवता इंद्र वरुण आदि देवता सब भोगों में पड़ गए, क्योंकि वे सफल हुए थे, युद्ध जीत गए थे, इसलिए वे इस भावना में थे कि अब हम पर कोई संकट नहीं आएगा, हम चाहे जैसे भोग भोगे, भोग का अर्थ है अब अच्छा खाना, अच्छा पीना, बेड लगा करके सोना खो और नाच गान करना है, इसको भोग कहते हैं। तो देवता सब भोग में पड़ गए और उधर असुर लोग यज्ञ कर रहे थे, ये उल्टा हो गया। असुर लोग कभी यज्ञ नहीं करते हैं, ये तो सताते हैं, पशुओं को मार कर खाते हैं, शराब पीते हैं। लेकिन उल्टी स्थिति हो गई, देवता सब भूमि पर गए, असुर लोग यज्ञ कर रहे थे, पूजा कर रहे थे। ये हमारे उत्तर प्रदेश में इस समय जो मुख्यमंत्री हैं वे आदित्यनाथ हैं। आदित्यनाथ का अर्थ है अदिति के जो भी पुत्र हैं वे सब आदित्य हैं, और उनमें सबसे श्रेष्ठ हैं वामन भगवान। वामन भगवान कैसे पैदा हुए थे? पयोव्रत करने से। जब अदिति माता ने पयोव्रत किया तो भगवान वामन देव प्रकट हुए, ये कथा है सारांश में। एवं पुत्र सुनष्टेषु देव माता अदिति स्तदा, पुत्रों के अदर्शन से अर्थात उनके भाग जाने से, स्वर्ग छोड़ करके भाग जाने से देवताओं की माता अदिति बहुत दुखी हुई। वो परितप्त बहुत दुखी हुई, अनाथ हुआ, ऐसा लग रहा था कि हमारा कोई रक्षक नहीं है। वैसे सबके रक्षक तो जगन्नाथ जी हैं ही, सभी जीवों के रक्षक, सभी के रक्षक, देवताओं के, असुरों के, मनुष्यों के, सबके रक्षक हैं जगन्नाथ जी, ये जगत के नाथ हैं। लेकिन अदिति ऐसे दुखी हो रहे थे जैसे लगता था कि हमारा कोई नहीं है, हमारा
कोई रक्षक नहीं है, नाथ नहीं है, बहुत दुखी थे। और कश्यप जी बहुत दिनों के बाद, समाधि के बाद उसके घर पर आए थे, क्योंकि बहुत सी पत्नियां थी जैसे दीति, अदिति और भी अनेक पत्नियां थी। बहुत वर्षों तक वे समाधि में रह गए, समाधि में रहने से उनको पता नहीं चला कि कौन जग कर रहा है, कौन राज कर रहा है, क्योंकि समाधि तश्चिरा चीर काल तक, देव काल बहुत काल तक वे समाधि में रह गए। पहले के महान लोग वे भगवान के ध्यान में रहा करते थे। आपने सुना होगा सतयुग में ध्यान करते थे लोग, यही भगवान के पूजा की पद्धति थी। और त्रेता में जग करते थे, द्वापर में पूजा, मंदिर बना करके पूजा करना, यही विधि थी। लेकिन इस कलयुग में कोई विधि नहीं है, केवल भगवान का नाम। कले दोष निधे राजन, अंत में भगवान सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, यह कलयुग दोष का खजाना है, दोष निधे, दोष की निधि है। जितने प्रकार के दोष हैं कलयुग में रहते हैं, लेकिन एक महान गुण है, कले दोष निधे राजन अस्ति, ये को महान गुण है। लेकिन एक महान गुण है इसमें, क्या गुण है? कलयुग में कृष्णा देव कृष्ण से मुक्त संग परम भजे, केवल कृष्ण के कीर्तन से, नाम कीर्तन से जीव मुक्त हो जाता है और परम ब्रजेत भगवान के धाम जाता है। कलयुग में एक गुण बहुत है, दूसरे जीव में वो नहीं है। एक गुण है जो दूसरे जीव में नहीं है, क्या गुण है? कीर्तना देव कृष्ण से मुक्त संग परम ब्रजेत, केवल कृष्ण के कीर्तन से, इस महामंत्र के कीर्तन से जीव मुक्त हो जाता है और परम ब्रजेत वैकुंठ जाता है, भगवान के धाम में जाता है। इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी यही विधि अपनाए, कलयुग में वे भगवान के नाम का उच्चारण करना सिखाए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इसी नाम संकीर्तन से उन्होंने देश विदेश में सब जगह भक्त बना दिया। प्रभुपाद जी के पहले भी गए थे बहुत लोग विदेश में, लेकिन एक सिंगल भक्त नहीं बना पाए। आज से लगभग 107 वर्ष पहले स्वामी विवेकानंद गए थे अमेरिका में, सर्वधर्म सम्मेलन था, सभी धर्मों का सम्मेलन था वहाँ। मैं भी वहाँ गया हूँ एक तो बार देखने के लिए, लेकिन एक भक्त भी नहीं बना पाए।
क्योंकि वे ये विधि जानते नहीं थे, भगवान की विधि को, भगवान के नाम कीर्तन को जानते नहीं थे, इसीलिए वे एक भक्त नहीं बना पाए। लेकिन श्रील प्रभुपाद हजारों हजारों भक्त को बना दिए, केवल भारतवर्ष में ही नहीं, विदेशों में सब जगह जहाँ जाइए वहाँ भगवान के भक्त मिलते हैं। हमने देखा है न्यूयॉर्क में रथ यात्रा, लॉस एंजलिस में रथ यात्रा देखा है, कितनी भीड़ होती है सैन फ्रांसिस्को में रथ यात्रा। प्रभुपाद जी बोलते हैं, मैं तो एक बूढ़ा आदमी हूँ, मैं कभी भी मर सकता हूँ, लेकिन तुम लोग जवान हो, तुम लोग इस मूवमेंट को आगे बढ़ाओ, बारंबार कहा करते थे। खास करके उन्होंने सैन फ्रांसिस्को में बात कही थी। मुख्य जिम्मेवारी है हम भारतीयों पर, प्रचार करो, प्रचार करो, प्रीचिंग इज द एसेंस, प्रचार करना ही सार है, प्रचार जैसे हो करना चाहिए, ये प्रचार ही है, ये कथा कहना, कीर्तन करना, भगवान की पूजा करना है, सब प्रचार है। हम लोग अकेले भजन नहीं करते हैं, समाज में भजन करते हैं, यही विधि है। हम लोग अकेले नमाज नहीं पढ़ते हैं, भगवान के समाज के साथ पढ़ते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सब जगह ये विधि है, प्रभुपाद जी की कृपा से सर्वत्र सुलभ है सब। अब जहाँ जाइए वहाँ पुस्तकें हैं बहुत, अब भक्त कीर्तन करते हुए पाए जाते हैं, दिल्ली में, बॉम्बे में। बॉम्बे में प्रभुपाद जी कहा करते थे कि किसी समय आओ, तुम्हारे लिए प्रसाद सुलभ है। और वे कहा करते थे कि अब तुम आते नहीं हो तो हम क्या करें, आओ देखो कि हमारा मंदिर कैसा है। वास्तव में मंदिर का क्या रूप होना चाहिए इस कान से ही सीख सकते हैं। मंदिर बनाया जाता है, प्रसाद वहाँ चलता है, प्रसाद और पढ़ने के लिए पुस्तकें मिलती हैं। जिस मंदिर में जाइए वहाँ सालों भर बुक डिस्ट्रीब्यूशन चलता ही है। पहले मैं ये जानता था कि मैराथन में केवल बुक डिस्ट्रीब्यूशन होता है, मतलब दिसंबर के महीने में, लेकिन अब पता चल गया कि ये बुक डिस्ट्रीब्यूशन सब समय होता रहता है, सालों भर बारहों महीने कर चलेगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 इसका सार यही है, महामंत्र। इसी के बल से प्रभुपाद ने सब जगह प्रचार किया। जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, जिसको देखिए उसको कहिए कृष्ण का उपदेश। कृष्ण ने क्या कहा है? कृष्ण का उपदेश है कि मन मना भव मद भक्तो मद्याति नाम नमस्कुरु,
नामे वैशिष्ट अत्यंत प्रति ज्ञाने प्रिय सिने मुझमें मन लगाओ, मेरा कीर्तन करो, मेरा भक्त बनो। मैं तुमसे सत्य बात बोल रहा हूँ, प्रतिज्ञा करके कह रहा हूँ, इस शरीर के छूटने के बाद तुम मेरे पास नहीं आओगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। यही भगवान की आज्ञा है। तो जिसको देखिए उसको कहिए, जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, जिसको देखिए उसको कृष्ण का उपदेश कहिए। तो बहुत सिंपल बात है, इसको कोई भी व्यक्ति कर सकता है। अगर दो व्यक्ति हैं तो दो व्यक्ति दो पुरुषों को भी वो कह सकता है। ये कृष्ण का यही उपदेश है, भगवान में मन लगाओ, भगवान का कीर्तन करो, भगवान की पूजा करो, भगवान का नाम लो। ये तो कोई भी कर सकता है। अगर अपने परिवार में हैं तो परिवार के लोगों को सिखा सकते हैं, गांव में हैं तो गांव के लोगों को इकट्ठा करके प्रचार कर सकते हैं, और किसी कमी। ये हमारे उत्तर प्रदेश में इस समय जो मुख्यमंत्री हैं वे आदित्यनाथ हैं। आदित्यनाथ का अर्थ है अदिति के जो भी पुत्र हैं वे सब आदित्य हैं, और उनमें सबसे श्रेष्ठ हैं वामन भगवान। वामन भगवान कैसे पैदा हुए थे? पयोव्रत करने से। जब अदिति माता ने पयोव्रत किया तो भगवान वामन देव प्रकट हुए। ये कथा है सारांश में। एवं पुत्र सुनस्तेषु देव माता अदितिस्तदा। पुत्रों के अदर्शन से अर्थात उनके भाग जाने से, स्वर्ग छोड़ करके भाग जाने से देवताओं की माता अदिति बहुत दुखी हुई। वो परितप्त बहुत दुखी हुई, अनाथ हुआ। ऐसा लग रहा था कि हमारा कोई रक्षक नहीं है। वैसे सबके रक्षक तो जगन्नाथ जी हैं ही, सभी जीवों के रक्षक, सभी के रक्षक, देवताओं के, असुरों के, मनुष्यों के, सबके रक्षक हैं जगन्नाथ जी। ये जगत के नाथ हैं। लेकिन अदिति ऐसे दुखी हो रहे थे जैसे लगता था कि हमारा कोई नहीं है, हमारा कोई रक्षक नहीं है, नाथ नहीं है। तो बहुत दुखी थे। और कश्यप जी बहुत दिनों के बाद, समाधि के बाद उसके घर पर आए थे, क्योंकि बहुत सी पत्नियां थी जैसे दीपि, अदिति और भी अनेक पत्नियां थी। बहुत वर्षों तक वे समाधि में रह गए। समाधि में रहने से उनको पता नहीं चला कि कौन जग कर रहा है, कौन राज कर रहा है, क्योंकि समाधि तश्चिरा चीर काल तक, देव काल, बहुत काल तक वे समाधि में रह गए। पहले के महान लोग वे भगवान के ध्यान में रहा करते थे। आपने सुना होगा सतयुग में ध्यान करते थे लोग, यही भगवान के पूजा की पद्धति थी। और त्रेता में यज्ञ करते थे, द्वापर में पूजा, मंदिर बना करके पूजा करना, यही विधि थी। लेकिन इस कलयुग में
कोई विधि नहीं है, केवल भगवान का नाम है। कले दोष निधे राजन। अंत में भगवान सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, यह कलयुग दोष का खजाना है, दोष निधे है, दोष की निधि है। जितने प्रकार के दोष हैं ये कलयुग में रहते हैं, लेकिन एक महान गुण है। कले दोष निधे राजन अस्ति, ये को महान गुण है, लेकिन एक महान गुण है इसमें। क्या गुण है? कलयुग में कृष्णा देव कृष्ण से मुक्त संग परम भजन, केवल कृष्ण के कीर्तन से, नाम कीर्तन से जीव मुक्त हो जाता है और परम भजन भगवान के धाम जाता है। कलयुग में एक गुण बहुत है, दूसरे जीव में वो नहीं है। एक गुण है जो दूसरे जीव में नहीं है। क्या गुण है? कीर्तना देव कृष्ण से मुक्त संग परम भजे, केवल कृष्ण के कीर्तन से, इस महामंत्र के कीर्तन से जीव मुक्त हो जाता है और परम भजेत वैकुंठ जाता है, भगवान के धाम में जाता है। इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी यही विधि अपनाए। कलयुग में वे भगवान के नाम का उच्चारण करना सिखाए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इसी नाम संकीर्तन से उन्होंने देश विदेश में सब जगह भक्त बना दिया। प्रभुपाद जी के पहले भी गए थे बहुत लोग विदेश में, लेकिन एक सिंगल भक्त नहीं बना पाए। आज से लगभग 107 वर्ष पहले स्वामी विवेकानंद गए थे अमेरिका में, सर्वधर्म सम्मेलन था, सभी धर्मों का सम्मेलन था वहाँ। मैं भी वहाँ गया हूँ एक बार देखने के लिए, लेकिन एक भक्त भी नहीं बना पाए, क्योंकि वे ये विधि जानते नहीं थे, भगवान की विधि को, भगवान के नाम कीर्तन को जानते नहीं थे, इसीलिए वे एक भक्त नहीं बना पाए। लेकिन श्रील प्रभुपाद हजारों हजारों भक्त को बना दिए, केवल भारतवर्ष में ही नहीं, विदेशों में सब जगह जहाँ जाइए वहाँ भगवान के भक्त मिलते हैं। हमने देखा है न्यूयॉर्क में रथ यात्रा, लॉस एंजलिस में रथ यात्रा देखा है, इतनी भीड़ होती है सैन फ्रांसिस्को में रथ यात्रा। प्रभुपाद जी बोलते हैं, मैं तो एक बूढ़ा आदमी हूँ, मैं कभी भी मर सकता हूँ, लेकिन तुम लोग जवान हो, तुम लोग इस मूवमेंट को आगे बढ़ाओ, बारंबार कहा करते थे। खास करके उन्होंने सैन फ्रांसिस्को में बात कही थी। मुख्य जिम्मेवारी है हम भारतीयों पर, प्रचार करो प्रचार करो, प्रीचिंग इज द एसेंस, प्रचार करना ही सार है। प्रचार जैसे हो करना चाहिए, ये प्रचार ही है, ये कथा कहना, कीर्तन करना, भगवान की पूजा करना है, सब प्रचार है। हम लोग अकेले भजन नहीं करते हैं, समाज में भजन करते हैं, यही विधि है। हम लोग अकेले नमाज नहीं पढ़ते हैं, भगवान के समाज के साथ पढ़ते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
सब जगह ही विधि है। प्रभुपाद जी की कृपा से सर्वत्र सुलभ है काम। अब जहाँ जाइए वहाँ पुस्तकें हैं बहुत, अब भक्त कीर्तन करते हुए पाए जाते हैं दिल्ली में, बॉम्बे में। बॉम्बे में प्रभुपाद जी कहा करते थे कि किसी समय आओ, तुम्हारे लिए प्रसाद सुलभ है। और वे कहा करते थे कि अब तुम आते नहीं हो तो हम क्या करें, आओ देखो कि हमारा मंदिर कैसा है। वास्तव में मंदिर का क्या रूप होना चाहिए इसका से ही सीख सकते हैं। मंदिर बनाया जाता है, प्रसाद वहाँ चलता है, प्रसाद और पढ़ने के लिए पुस्तकें मिलती हैं। जिस मंदिर में जाइए वहाँ सालों भर बुक डिस्ट्रीब्यूशन चलता ही है। पहले मैं ये जानता था कि मैराथन में केवल बुक डिस्ट्रीब्यूशन होता है, मतलब दिसंबर के महीने में, लेकिन अब पता चल गया कि ये बुक डिस्ट्रीब्यूशन सब समय होता रहता है, सालों भर बारह महीने कर चलेगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इसका सार यही है महामंत्र, इसी के बल से प्रभुपाद ने सब जगह प्रचार किया। जरे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, जिसको देखिए उसको कहिए कृष्ण का उपदेश। कृष्ण ने क्या कहा है? कृष्ण का उपदेश है कि मन मना भव मद भक्तो मध्याति नाम निवास करो नामे वैसे सत्यंत प्रति जाने प्रिय सिंह। मुझमें मन लगाओ, मेरा कीर्तन करो, मेरा भक्त बनो। मैं तुमसे सत्य बात बोल रहा हूँ, प्रतिज्ञा करके कह रहा हूँ, इस शरीर के छूटने के बाद तुम मेरे पास नहीं आओगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। यही भगवान की आज्ञा है। तो जिसको देखिए उसको कहिए जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, जिसको देखिए उसको कृष्ण का उपदेश कहिए। बहुत सिंपल बात है, इसको कोई भी व्यक्ति कर सकता है। अगर दो व्यक्ति हैं तो दो व्यक्ति दो पुरुषों को जो कह सकता है। ये कृष्ण का यही उपदेश है, भगवान में मन लगाओ, भगवान का कीर्तन करो, भगवान की पूजा करो, भगवान का नाम लो। ये तो कोई भी कर सकता है। अगर अपने परिवार में हैं तो परिवार के लोगों को सिखा सकते हैं, गांव में हैं तो गांव के लोगों को इकट्ठा करके प्रचार कर सकते हैं, और किसी कम्युनिटी में हेड हैं तो उस कम्युनिटी को बुला करके सबको बुक सिखा सकते हैं, सब लोग कीर्तन कीजिए। अपने गांव में कर सकते हैं कीर्तन, कीर्तन करना है बस, यही मुख्य है। कोई व्यक्ति कहीं भी कर सकता है इसको। इतनी कृपा प्रभुपाद ने किया है, उसको अपनाना चाहिए।